नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। इस क्लास से हम लोग अपनी जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास है उसको हम शुरू करेंगे। हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अपने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। यहाँ पर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की आज क्लास होगी, अगली क्लास बायोडाइवर्सिटी की होगी, उसके बाद हम लोग जो भी एग्रीमेंट हैं, एक्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, जो भी बायोडाइवर्सिटी के एरियाज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर आगे आएंगे इन्वायरमेंटल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, जो न्यूज़ हैं उन सभी को, मतलब कि इन्वायरमेंट का जो पूरा करंट अफेयर है हम लोग कवर करेंगे अपने कुछ वीडियोज़ में। तो इसके बाद अभी जो आगे 10 वीडियोज़ आने वाले हैं आपके लिए, इन 10 वीडियोस में हम लोग अपना पूरा जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, ढंग से पूरा रिवाइज करेंगे, पोर्शन वगैरह सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। गूगल डॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ अपने सवाल अपने पोस्ट कर दीजिएगा। संडे को हम एक लाइव क्लास लेंगे जहाँ पर हम आपके डाउट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी हमने आपको कंप्लीट करा दी है, अब इन्वायरमेंट की जो क्लास है वो शुरू हुई है। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, सीसैट, सभी क्लास आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू से एकदम शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो सारे डेफिनेशंस हैं वो देखेंगे, जो भी सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में पहले, हम लोग उनको सबको देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं थोड़ा डेफिनेशन। सबसे पहला जो टर्म है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट नेचुरल कंपोनेंट है जहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि एक पर्यावरण में जो जीवित और निर्जीव चीज़ है वो आपस में इंटरैक्ट करता है और अपनी जाति के बीच में, अपने आसपास के जो भी फैक्टर्स हैं उनसे इंटरेक्ट करता है। ऐसा ही डिफिनीशन इकोलॉजी का भी है, इकोसिस्टम का भी ऐसा ही डिफिनीशन है, मगर एक अंतर है। वो अंतर क्या है अभी तुरंत आएगा। पहले समझ लिया कि इन्वायरमेंट क्या होता है। एक इन्वायरमेंट है जहाँ पर सजीव और निर्जीव लोग रह रहे हैं, आपस में जो इंटरेक्शन है वो कर रहे हैं। ये जो इंटरेक्शन है यही आवास का निर्माण करता है और इकोसिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है। इस इन्वायरमेंट में फिजिकल फैक्टर, फिजिकल का मतलब है जो भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, एयर में अलग अलग गैसेस हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब फिजिकल कंपोनेंट हो गए। इसके बाद बायोलॉजिकल फैक्टर जिसमें बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिजम्स, ये सब आ जाते हैं, और उनके बीच का केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो केमिकल एनर्जी के रूप में ही होती है। फॉर एग्जांपल, शेर ने हिरण को खा लिया तो एनर्जी हिरण से शेर में आई। ये थोड़े है कि हिरण के शरीर से एक दिव्य पुंज निकला, एकदम ज्योति, और जाकर के शेर में समा गया, शेर पूरा एनर्जीवान हो गया, ऐसा थोड़े होता है। जो भी आपका बायोमास है हिरण का, जो भी मीट खाया है उसने, तो उससे एनर्जी मिली शेर को, तो केमिकल फॉर्म में ही तो है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं। तो ये जो केमिकल इंटरेक्शन होता है, आदान प्रदान होता है, वो होता है। इसके अलावा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब भी जो चीज़ें होती हैं वो न्यूट्रिएंट को आपस में रिसाइकिल करते रहती हैं। तो ये सभी चीज़ें इन्वायरमेंट का पार्ट होता है, सभी कुछ इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। सभी ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट पर निर्भर होते हैं अपने दैनिक जीवन के कामों के लिए, जैसे कि खाना है, पीना है, रहना है, तो इन सब के लिए उनको खाना चाहिए, एनर्जी चाहिए, वाटर, ऑक्सीजन चाहिए, उनको आवास चाहिए। ये सभी चीज़ें उनको अपने शेल्टर से ही मिलेगा, उनको अपने आवास से ही मिलेगा। बात क्लियर है? तो ये हो गया अपना इन्वायरमेंट का डेफिनेशन। अगला हमारा टर्म है बायोस्फेयर। होता क्या है ना कि यूपीएससी एकदम सिंपल सवाल पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब बायोस्फेयर, और आप फंस जाते हैं उसी में, क्योंकि आपको होलिस्टिक डिफिनीशन नहीं पता होती उसकी।
जो संपूर्ण डिफिनीशन है, संपूर्ण नॉलेज है उस चीज़ की आपको नहीं पता होती, इसलिए वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है? कन्फ्यूजन वहाँ होता है जहाँ पर आपके पास अधूरा ज्ञान है, पूरी चीज़ आपको पता नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ याद ही हो, सब कुछ पता ही हो, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होता। समझ के बाद, या तो सवाल आता है या तो सवाल नहीं आता। कन्फ्यूजन तभी होता है जब आपके पास अधूरा नॉलेज हो, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है? ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट है हमारे पृथ्वी पर। हमारे पृथ्वी पर एक बायोलॉजिकल एरिया है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। मतलब कि बायोस्फीयर हम उसी को कहेंगे जहाँ पर जीवन पाया जाता है। कई सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर जीवन नहीं पाया जाता, जैसे कि नॉर्थ पोल का जो एक्सट्रीम है, साउथ पोल का एक्सट्रीम है, ज्वालामुखी के अंदर जीवन, तो इन सब जो इलाके हैं ना, इनको हम लोग बायोस्फीयर के अंदर नहीं मानते। बायोस्फीयर का पार्ट है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों के तीनों बायोस्फीयर के पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित जो जीव हैं हमारे पृथ्वी पर, और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गए, मतलब जो केमिकल ग्रुप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वो आपस में रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर इज अब्सेंट एट एक्सट्रीम, अभी मैंने आपको बताया, वैसा क्लाइमेट जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट है। अभी कुछ समय पहले एक ऐसा एरिया के बारे में पता चला था जहाँ पर सैलिनिटी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब वहाँ पर जो लवणता है वो बहुत ही ज़्यादा है। आपने शक्तिमान देखा है? उसमें एक विलेन आया था जोक करके, तो उस पर नमक डाल दिया था, तो उसका डिहाइड्रेशन हो गया था, वो मर गया था। वो तो होता क्या है ना कि जो सलाइन एरिया होता है जहाँ पर लवणता ज़्यादा होती है, वहाँ पर जीव डिहाइड्रेशन के कारण नहीं जी पाते, मर जाते हैं वो, तो उधर लाइफ नहीं पाया जाता। वैसा ही जो काफ़ी हॉस्टाइल कंडीशन है, वहाँ पर जीवन नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, वहाँ पर आपको इनएक्टिव चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि कई सारे फंगा और कई सारे बैक्टीरिया आपको मिलेंगे वहाँ पर, मगर ये जो जीव हैं वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हैं, मतलब उसके भीतर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही, वो खाना नहीं खा रहा, उसके अंदर कोई पाचन क्रिया नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इसी कारण से हम उसको बायोस्फीयर में काउंट नहीं करते। चलो, अगला डिफिनेशन है इकोसिस्टम। ये क्या होता है? इकोसिस्टम हमारे प्रकृति का वो पार्ट है, वो भाग है जहाँ पर जीव और निर्जीव ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये सभी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में, ठीक है ना। मतलब खरगोश ने कछुए को मारा, कछुए ने खरगोश को मारा, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद वो अपने आसपास का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उससे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि कछुए ने ढेला फेंक के मारा खरगोश को, तो जो ढेला है, पत्थर है, वो क्या है? वो निर्जीव चीज़ है। तो ये भी बातें होती हैं। इकोसिस्टम कैन बी ऑफ एनी साइज, ये किसी भी साइज का होता है, मगर ये काफ़ी लिमिटेड स्पेस में रहता है। जैसे कि फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, जहाँ तक जंगल है वहीं तक पाया जाएगा। तालाब का इकोसिस्टम, जितनी दूर में तालाब फैला हुआ है उतनी दूर में ही तालाब आपका पाया जाएगा, ठीक है। मगर एक खास बात है इकोसिस्टम की कि वहाँ पर स्पेसिफिक और लिमिटेड स्पीसी ही पाए जाते हैं। जैसे कि जंगल में शेर पाया जाएगा, जो तालाब है वहाँ पर मछली जो होगी वो मेन जीव होगी। इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में यही डिफिनेशन, यही वाला डिफरेंस है। इन्वायरमेंट में कोई लिमिटेड या स्पेसिफिक जीव नहीं होता, वहाँ पर हर जीव समान है, मगर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एक खास जीव को प्रायोरिटी मिलती है। जैसे कि जंगल में हिरण को शेर को मिलता है, अब हिरण और शेर को वो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी तालाब में। क्या तालाब में रह पाएगा? वो नहीं रह पाएगा, तालाब की रानी मछली है, ठीक है ना। अब मछली को यही प्रायोरिटी जंगल में नहीं मिल पाएगी। तो इकोसिस्टम में स्पेसिफिक जीवों का, लिमिटेड जीवों का प्रायोरिटी वहां पर होता है, ये इकोसिस्टम की खास बात है, ठीक है। इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो आपस में लिंक्ड होते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल से और एनर्जी फ्लो से।
न्यूट्रिएंट साइकिल वही वाला, शेर ने हिरण को खा लिया तो उसका जो पोषक तत्व है वो मिल गया उसको, ठीक है ना, एनर्जी फ्लो कर गई हिरण से शेर में। अगर इकोसिस्टम का कोई पार्ट डैमेज होता है या डिसअपियर होता है तो उससे जुड़े हुए जो भी जीव हैं वो सभी इम्पैक्ट होंगे। जैसे कि मान लो कि हमारे जंगल से बाघ लुप्त हो जाएं, बाघ शेर लुप्त हो जाएं, तो ये जो प्रेडेटर हैं अगर ये ही नहीं रहेंगे तो जंगल में हिरण की संख्या बढ़ने लग जाएगी। अब चूंकि हिरण की संख्या बढ़ रही है तो ये घास ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, घास इतना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे कि घासों के अस्तित्व पर सवाल उठ जाएगा, क्योंकि हिरण की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बातें होती हैं, अगर आपके इकोसिस्टम का एक भी कंपोनेंट लुप्त हुआ तो उसका प्रभाव पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। अब हमारा ये जो इकोसिस्टम है वो मोटा मोटी दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है ज़मीन वाला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा होता है जल वाला एक्वेटिक इकोसिस्टम। ज़मीन वाले में जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल ये सब आते हैं, और जो जो जल वाले इकोसिस्टम है इसमें पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एश्वरी ये सब आते हैं, क्लियर बात। हाँ, एक तीसरा टाइप का भी है मानव निर्मित, मैन मेड, जैसे कि हमारे धान के खेत हो गए, वो भी एक इकोसिस्टम है, उसमें भी जीव पाए जाते हैं, चूहा रहता है, चूहे को पकड़ने के लिए सांप जाता है धान खेत में। तो हमारा जो एक्वेरियम है जहाँ पर हम मछली पालते हैं, डब्बा जिसमें मछली आप रखते हैं ना रंग बिरंगी वाली, वो भी एक इकोसिस्टम ही है, छोटे साइज का है, ये मैन मेड इकोसिस्टम है, ठीक है। जैसे ही आपने खेत में तालाब खुदवाया मछली पालन करने के लिए तो वो भी एक इकोसिस्टम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक्वेटिक वाले में दो तरह के और हो सकते हैं, जो साफ पानी इकोसिस्टम हो और जो खारे पानी का इकोसिस्टम हो। जो ज़मीन वाला है वहाँ पर फॉरेस्ट, टुंड्रा, डिजर्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड ये सभी आएंगे, ठीक है ना। चले अगला आवास, अगला हमारा डेफिनेशन है आवास हैबिटेट। हैबिटेट वो फिजिकल एनवायरनमेंट है जहाँ पर कोई भी जीवित जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, वो वहाँ पर रहता है। कई सारे आवास मिलकर के हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं, जैसे कि जंगल एक आवास है शेर का, तालाब एक आवास है मछली का, ग्रासलैंड एक आवास है जिराफ का। तो क्या हम कोई एक ऐसा एरिया ले सकते हैं जहाँ पर जंगल भी हो, तालाब भी हो और बाकी घास का मैदान भी हो? तो ये जो पूरा एरिया है ये क्या कहलाएगा? एनवायरनमेंट कहलाएगा। एनवायरनमेंट में ही अलग अलग आवास बने हुए हैं, समझ रहे बात। मान लो कि हमने जंगल को एक आवास मान लिया, तो इस पेड़ पर तोता रहता है, उस पेड़ पर कबूतर रहता है, तो दोनों का आवास अलग अलग हो गया, ठीक है ना। चले अ सिंगल हैबिटेट मे बी कॉमन फॉर मोर देन वन ऑर्गेनिज्म विच हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट। अब एक सिंगल आवास, मान लो कि एक पेड़ है, एक पेड़ पर कई सारे जीव रह सकते हैं, इस पेड़ के क्वार्टर में सांप रह सकता है, ऊपर वाले एरिया में पक्षी रह सकते हैं, अपना घोंसला बनाए हुए होगा, और ऊपर जाओगे तो जो दूसरे पक्षी हैं वो रहते होंगे। तो एक ही आवास में अलग अलग जीव रह सकते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें अलग अलग हैं, समझ रहे बात। पेड़ के नीचे कोई और जीव रह रहा होगा, चींटियाँ रह रही होंगी अंदर घुस करके, तो ये सब आवास का टाइप है। वेरियस स्पीसीज शेयरिंग अ हैबिटेट दस हैव सेम एड्रेस, जंगल, रिवर ये सब। तो आवास क्या होता है समझ गए, जहाँ पर जो जीव हैं वो रहते हैं। अब आवास और इन्वायरमेंट में सबसे पहला अंतर ये है कि आवास में जीवन होता ही होता है, आवास में जीवन होता ही होता है, मगर इन्वायरमेंट में जीवन हो कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो कि एक मरुस्थल है, मरुस्थल एक इन्वायरमेंट तो है मगर यहाँ पर जीवन का अभाव है, इसी कारण से वो हैबिटेट नहीं है, अंतर समझ रहे हो। हैबिटेट में जीवन होगा ही होगा क्योंकि वो हैबिटेट इसीलिए बना है क्योंकि वहाँ पर कोई रह रहा है,
आवास आवास क्यों कहलाता है? क्योंकि वहाँ पर कोई रह रहा है। अगर कोई नहीं रह रहा होता तो उसका नाम आवास नहीं पड़ता, ठीक है ना। दूसरा अंतर ये है कि सभी हैबिटेट इन्वायरमेंट कहलाएंगे, मतलब कि सभी जंगल इन्वायरमेंट कहलाएगा मगर सभी इन्वायरमेंट हैबिटेट नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मरुस्थल एक इन्वायरमेंट है मगर क्या ये आवास है? अगर यहाँ पर सांप रह रहा हो, कुछ और रह रहा हो तो आवास है, मगर अगर वहाँ पर कोई जीव ही नहीं पाया जाए तो आवास नहीं है, ठीक है। अगला है, आवास में एक स्पीसीज को हमेशा प्रेफरेंस मिलता है, एक खास जीव को हमेशा प्रेफरेंस मिलता है। जैसे कि पेड़ पर पक्षी को मिलता है प्रेफरेंस, जंगल में शेर को मिलता है प्रेफरेंस। जो कोई भी आवास है उसमें एक प्रजाति को हमेशा प्रेफरेंस मिलता है, मगर इन्वायरमेंट में कई जीवों को प्रेफरेंस मिल सकता है। जैसे कि मान लो कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर तालाब भी है, जंगल भी है, मरुस्थल भी है, तो तालाब की मछली को प्रेफरेंस मिलेगा, जंगल के शेर को मिलेगा प्रेफरेंस, और मरुस्थल का जो ऊँट है या सांप है उसको मिलेगा प्रेफरेंस। समझ रहे हो बात? तो आवास में और इन्वायरमेंट में ये अंतर होता है। जो इन्वायरमेंट होता है वही डिसाइड करता है कि हैबिटेट का रूल क्या होगा। मतलब कि एक जंगल है, जंगल एक इन्वायरमेंट है, जंगल में पेड़ कैसा होगा, क्या वो पर्णपाती होगा, क्या वो एवरग्रीन होगा, क्या वो शंकुधारी होगा, तो ये डिसाइड करता है कौन? इन्वायरमेंट, ठीक है। आवास डिसाइड नहीं करते इन्वायरमेंट को, उल्टा नहीं होता। तो ये मेन अंतर है हैबिटेट में और इन्वायरमेंट में। इन सब पर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो एक सवाल देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का। कह रहा है, इनमें से कौन सी लाइन इकोसिस्टम को सबसे बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है? अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, इनकम्प्लीट है। दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहैबिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म, पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर जीव रह रहे हैं। ये तो बायोस्फीयर होता है ना, बायोस्फीयर का यही तो डेफिनेशन है कि जहाँ पर जीव रह रहे हो। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट, मतलब इंटरैक्टिंग टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, मतलब कि वो जीव जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और अपने जीवों अपने इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, यही तो होता है इकोसिस्टम, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया सी। यहाँ पर जो दूसरा डेफिनेशन है ये जो बायोस्फीयर है ना, इसको डिसाइड मतलब इसको डिनोट करता है। और ये जो फ्लोरा और फाउना है एक ज्योग्राफिकल एरिया में, इसका मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। किसी एरिया की डाइवर्सिटी ज़्यादा हो सकता है, किसी डाइवर्सिटी कम हो सकता है। आंसर क्या हो गया? सी। चलिए अगला हमारा है हमारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं सजीव, दूसरा होता है निर्जीव। सजीव में वो आते हैं जिनमें जान हो, जैसे कि प्रोड्यूसर पेड़ पौधे, कंज्यूमर हिरन, डिकम्पोजर बैक्टीरिया फंगाई जो भी है, जो डिकम्पोज करता है चीज़ों को वो डिकम्पोजर कहलाएगा। कंज्यूमर तीन तरह का होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वो शाकाहारी होता है, जैसे कि हिरन, हिरन को जो खा जाए वो सेकेंडरी, उसको भी जो खा जाए वो टर्शरी, ठीक है। एबायोटिक वाले में निर्जीव आता है, जैसे कि हवा, पानी, सॉइल, ये सब। तो ये सब क्या है? ये सब आपके निर्जीव हैं, अबायोटिक कंपोनेंट हैं हमारे इकोसिस्टम के, ठीक है। अब जैसे कि लाइट रहेगा तभी ना हो पाएगा फोटोसिंथेसिस। जो लाइट है इसी कारण से ना होता है प्रकाश संश्लेषण। अगर ये नहीं रहेगा तो कैसे खाना बना पाएगा? आपके जो हरे भरे घास फूस हैं वो नहीं बना पाएगा, हिरनों खाना नहीं मिल पाएगा। वैसे ही रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सभी के सभी क्या हैं? अबायोटिक कंपोनेंट हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्टीट्यूड, बफरिंग कैपेसिटी हमारे पृथ्वी का, सैलिनिटी, ये सभी अबायोटिक कंपोनेंट हैं। क्लियर बात है? अब देखो, बायोटिक कंपोनेंट में आपको मैंने बताया कि तीन तरह का होता है,
प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला होता है प्रोड्यूसर और दूसरा होता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर होता है जो पैदा करता है, जैसे कि इसमें ऑटोट्रॉप्स आते हैं, स्वपोषी जीव खुद अपना खाना बना लेते हैं, जैसे कि एल्गी, एल्गी होता है, हरे पौधे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी खुद का खाना खुद ही बना सकते हैं, ठीक है ना। आपका जो तालाब है, झील है, वहाँ पर जो प्लैंकटन होता है वो माइक्रोस्कोपिक एल्गी होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है। ये प्लैंकटन ही मछलियों का आहार होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर में आएंगे तो कंज्यूमर दो तरह का होता है, एक होता है माइक्रो कंज्यूमर, दूसरा होता है मैक्रो कंज्यूमर, ठीक है। माइक्रो कंज्यूमर में छोटे छोटे जीव आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, अर्थवॉर्म, ये सब माइक्रो कंज्यूमर हैं। माइक्रो कंज्यूमर में बड़े जीव आते हैं, जैसे कि हिरन, हिरन को मारने वाला जो जीव है, बाघ है, शेर है, वो सभी आपके मैक्रो मतलब बड़े साइज के कंज्यूमर में आते हैं, ठीक है। ये जो कंज्यूमर होते हैं वो अपने भोजन के लिए पौधे और जीव दोनों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि माइक्रो कंज्यूमर में आता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो केवल प्लांट पर ही रहता है जीवित, जैसे कि भेड़ हो गया, खरगोश हो गया, हिरन हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, भेड़, खरगोश, हिरन, ये सबको खाता है, जैसे कि वुल्व्स, डॉग, स्नेक, ये सब। कार्निवोर में और बड़े वाले आ गए, टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं उसको हम लोग, जैसे कि शेर हो गया, सांप हो गया। ओमनिवोर में सभी लोग होते हैं, जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं, ठीक है ना। और इसमें अंडा खाने वाले वेजिटेरियन भी आते हैं, ठीक ना, तो जो कि भरोसे लायक नहीं होते, कि भरोसा मत करना उन पर, उनके साथ चिकन नहीं खाना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बायोटिक कंपोनेंट हमारे एनवायरनमेंट के। चलो सवाल करते हैं, अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ख़त्म हो जाए तो ये बहुत ही जल्दी दोबारा नहीं बढ़ता, इट डज नॉट रिजनरेट क्विकली एज कंपेयर टू पर्णपाती फॉरेस्ट, ये क्यों होता है। हमको तो पता है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर पेड़ बहुत ऊँचा उठता है, खूब बायोडाइवर्सिटी होता है, तो एक बार नष्ट होने के बाद वो दोबारा जल्दी रिजनरेट क्यों नहीं होता। होता क्या है कि वहाँ की जो मिट्टी होती है, वो न्यूट्रिएंट डिफिशियंट होता है। देखो, जो आपके सदाबहार वन है वो सदाबहार क्यों है, क्योंकि वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश हो रही है, समझ रहे बात। अब ये जो बारिश हो रही है इसी कारण से होता क्या है, वहाँ का जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट है वो लीच हो जाता है। लीच हो जाता है इसका मतलब ये है कि वो जैसे कि धूल जाता है, ठीक है। अब चूंकि मिट्टी में न्यूट्रिएंट का अभाव है, इसी कारण से एक बार नष्ट होने पर जो पौधे के बीज जो ज़मीन पर गिरे हुए हैं वो जल्दी अंकुरित नहीं होते। मगर एक बार जब अंकुरित हो गया और उसका जड़ जब नीचे मिट्टी तक पहुंच गया, उसके बाद उसको नीचे का सब सॉइल का न्यूट्रिएंट मिलता है और उसको लेकर के वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ऊपरी मिट्टी का न्यूट्रिएंट धुला है ना, ऊपरी मिट्टी के जो नीचे की जो मिट्टी है उसका न्यूट्रिएंट तो बचा हुआ है अभी, तो जैसे ही सब सॉइल तक आपके पौधे की जड़ पहुंचती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, उससे न्यूट्रिएंट लेकर के बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो वो रिजनरेट होगा धीरे धीरे, मगर एक बार होने के बाद बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है इकोटोन। इकोटोन एक ऐसा एरिया होता है जो दो इकोसिस्टम के बीच का होता है, जैसे कि ये घास का मैदान है, ये जंगल है, तो जंगल और घास के मैदान के बीच का जो एरिया होगा उसको हम लोग इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस एरिया को हम लोग इकोटोन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ जोन ऑफ जंक्शन, दिस इज अ ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम, बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स। जैसे कि यहाँ पर आपका तालाब है, ऊपर में आपका घास का मैदान है, चाहे कुछ भी है, ये जो बीच का एरिया हो गया जहाँ पर कछुआ बाबू रह रहा है
वो क्या है, वो इकोटोन है, वो मार्शलैंड इकोटोन है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी मिलते हैं, इंटीग्रेट होते हैं, जैसे कि घास के मैदान का जीव जंगल के जीवों से मिलता है, ठीक है ना। वैसे ही जो आपका तालाब का जीव है वो ज़मीन के जीवों से मिलता है, क्लियर बात है। अच्छा, आपसे सवाल कैसे पूछेगा, सुनो, इनमें से पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इकोटोन, मैनग्रोव, ग्रासलैंड, एश्वरी, रिवर बेड। क्या आंसर देंगे आप, ये चारों के चारों क्या हैं, इकोटोन है। जैसे कि मैनग्रोव, मैनग्रोव वो एरिया है जो समुद्र और टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन के बीच का होता है, ग्रासलैंड जंगल और मरुस्थल के बीच का, एश्वरी फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच का, रिवर बैंक या मार्शलैंड ड्राई और वेट इकोसिस्टम के बीच का एरिया होता है। तो ये चारों के चारों इकोटोन के एग्जाम्पल हैं, क्या हैं, ये चारों के चारों इकोटोन के एग्जाम्पल हैं। अब इकोटोन की कुछ खास बातें होती हैं, सवाल कैसे पूछेगा, वो आपको पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1, 2, 3 करके दे देगा ऑप्शन, आपको पूछ लेगा कि कौन सा सही है आपका, 1 and 2 only, 1 only, 2 only, 1, 2, 3 all, ऐसा करके। इकोटोन नैरो भी हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा वाइड भी हो सकता है, जैसे कि घास के मैदान और जंगल के बीच का जो एरिया होता है वो बहुत ही छोटा एरिया होता है, पतला एरिया होता है, तो ये जो इकोटोन है वो काफ़ी नैरो है। मगर जंगल और डिजर्ट के बीच का जो एरिया है वो वाइड है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा एरिया है, ट्रंशन एरिया है, वो वाइड इकोटोन कहलाता है। इस इकोटोन में आसपास का जो कंडीशन है उसके बीच का कंडीशन मिलता है। जैसे कि मान लो कि हमारा इक्वेटर है, हमारा पोलर है, पोल पे ठंड है, इक्वेटर पे गर्मी है, तो बीच का जो एरिया होगा वहाँ पर मौसम एकदम बढ़िया होगा, न ठंड न गर्म, चकाचक एकदम। तो यहाँ पर इकोटोन में कंडीशन अपने आसपास के इकोसिस्टम के इंटरमीडिएट होता है, इसीलिए हम इसको जोन ऑफ टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जोन ऑफ टेंशन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इकोटोन में आप जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे उस इकोसिस्टम का जीव घटना शुरू होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप जंगल से दूर जाएंगे तो जो जंगल के जीव हैं इनकी संख्या घटनी शुरू होगी, और जो घास के मैदान के जीव हैं इनकी संख्या बढ़नी शुरू होगी। वैसे ही जब आप घास के मैदान से जंगल की ओर जाएंगे तो घास के मैदान के जीवों की संख्या घटनी शुरू होगी और जंगल के जीवों की संख्या बढ़नी शुरू होगी। तो यही तो इकोटोन का फीचर है। इकोटोन में नंबर एंड डेंसिटी ऑफ जीव ऑफ एन आउटगोइंग कम्युनिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे, हम घास के मैदान से दूर जाएंगे तो उनके जीवों की संख्या और उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। इन इकोटोन में कुछ ऐसे जीव मिलते हैं जो अपने अगल बगल वाले में नहीं मिलते, मतलब कि मार्शलैंड में वो जीव मिलेगा जो न थल पे है न जल में है। कई सारे ऐसे जीव होते हैं जो न जल में पाए जाते न थल में पाए जाते हैं, केवल उनके बीच में ही पाए जाते हैं, तो वो जीव बहुत ही अलग होते हैं। ये मेन फीचर है इकोटोन का, ठीक है। चलिए, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है इकोक्लाइन, उम्मीद है आपने इसके बारे में सुना होगा। इकोक्लाइन क्या होता है, ये एक जोन है ग्रेजुअल कंटिन्यूअस चेंज का एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में, जहाँ पर कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। इकोसिस्टम की बाउंड्री होती है, जैसे कि जंगल जहाँ पर ख़त्म होता है वो उसकी बाउंड्री हो जाती है, तालाब जहाँ पर ख़त्म होता है वो उसकी बाउंड्री हो जाती है, मगर इकोक्लाइन में कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। यहाँ पर आप जो डायग्राम है ना वो देख के समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अबायोटिक फैक्टर में ग्रेजुअल, जैसे कि मान लो कि एक पहाड़ है, ठीक है ना, यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटेगा,
तापमान घटेगा। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। इकोक्लाइन अकर अक्रॉस द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, मतलब कि जो एबायोटिक फैक्टर हैं उनके बदलने के कारण ये ग्रेजुअल चेंज होता है, ठीक है। वैसे ही जब नीचे जाएंगे तो गर्मी बढ़ने लग जाएगी, या फिर आप मरुस्थल में ही अगर किनारे में हैं तो गर्मी कम होगी, बीच में जाएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। ये इकोक्लाइन होता है जहाँ पर हमको ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। अब सर इकोटोन इकोक्लाइन दोनों तो सुनने में हमको सेम ही सेम लग रहा है, फिर उसमें अंतर क्या है। इकोटोन एक ट्रांजिशनल एरिया है जहाँ पर दो कम्युनिटी मिलते हैं, यहाँ पर ये ग्रेजुअल भी हो सकता है जैसे कि जंगल से ग्रासलैंड की ओर जाना, या शार्प भी हो सकता है जैसे कि एक तालाब का किनारा, ठीक है। तो ये मेन अंतर है, मगर जो इकोक्लाइन है यहाँ पर जो जीव होता है वो एक कंटिन्यूअस ग्रेडियंट दिखाता है, मतलब कि यहाँ पर जो अबायोटिक फैक्टर है जैसे कि बताना ना टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है, समुद्र में जो सैलिनिटी है उसमें चेंज आ जाता है, तो इन अबायोटिक फैक्टर के कारण बदलाव होता है, एक ग्रेजुअल चेंज आता है, उसको हम कहते हैं इकोक्लाइन। ये मेन अंतर है दोनों में, ठीक है। चलो जैसे कि एक वेटलैंड देख लो, वेटलैंड बड़ा हो सकता है, वेटलैंड वो एरिया होता है जो ड्राई को वेट से जोड़ता है, सूखे को गीले जोड़ता है। अब वेटलैंड छोटा तो हो नहीं सकता, खूब बड़ा सा एकदम ऐसा एरिया है जहाँ पर पानी जमा हुआ है, तो वहाँ पर ग्रेजुअल बदलाव हो रहा है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं एज इफेक्ट और एज स्पीसीज के बारे में। एज इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो दो इकोसिस्टम है, दो इकोसिस्टम के बीच का जो एरिया है, जो हमारा इकोटोन था, जो ट्रांजिशन एरिया है, उस एरिया में अगर अचानक से जीवों की संख्या बढ़ने लग जाए, उनकी डेंसिटी बढ़ने लग जाए, तो इसको हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं। मतलब कि इकोसिस्टम के एज पर अगर अचानक से जनसंख्या बढ़ने लग जाए, डेंसिटी बढ़ने लग जाए, तो उसको हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं। कहाँ बढ़ेगा सर, ट्रांजिशन एरिया जो है ना, जो इकोसिस्टम का जो एज है वहाँ पर बढ़ेगा। और इस जोन में, इस एरिया में जो जीव सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे उनको हम लोग एज स्पीसीज कहते हैं। ऑर्गेनिज्म विच प्राइमरली और मोस्ट एविडेंटली फाउंड इन दिस जोन इज कॉल्ड एज स्पीसीज। क्लियर बात है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो एज इफेक्ट है वो अप्लीकेबल है बर्ड पे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ना कि जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पर पक्षी ज़्यादा पाए जाते हैं, वैसे ही जो डेंसिटी ऑफ बर्ड है इट इज़ ग्रेटर इन इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डिजर्ट, जो बीच का जो एरिया होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पक्षी पाए जाते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल नीशे। ये क्या होता है, नीशे का मतलब होता है कि जो एक होता है ना कि मेरी सब्जी में तीखा नहीं होना चाहिए, मेरी रोटी पूरी फूली हुई होनी चाहिए, मेरी रोटी में कोई दाग नहीं होना चाहिए, ये जो नफासत है इसको हम लोग नीशे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं कि मैं तो इसी रूम में रहूँगा, मुझे और कोई रूम पसंद नहीं है, मैं और कोई रूम में रह नहीं पाता, वहाँ पर हवा नहीं आती, ये सब। तो आप जहाँ पर रह रहे हैं वो आपके लिए अनुकूल है, आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए अनुकूल है, आप जो खा रहे हैं भोजन, जो आपका आहार है वो आपके लिए अनुकूल है। आप करेला नहीं खाते, हरी सब्जी नहीं खाते, ये आपके हिसाब से है, ठीक है ना। तो ये जो होता है इकोलॉजिकल नीशे का मतलब होता है कि उस जीव का यूनिक फंक्शनल रोल, उसका जो काम है वो एनवायरनमेंट में यूनिक होगा, और उसका स्थान यूनिक होगा उस इकोसिस्टम में। जैसे कि हिरन, हिरन का काम क्या है, घास को कंट्रोल में रखना। उसका पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन शेर और बाघ से नीचे है, ठीक है, हैबिटेट में, इकोसिस्टम में उसका पोजीशन नीचे है उससे, तो वो उसका नीचे हो गया। उसका आवास
वो किस पेड़ के नीचे रहना चाहता है, मैं तो इसी पेड़ के नीचे रहूँगी, तो वो उसका इकोलॉजिक, वो उसका हैबिटेट नीचे हो गया। रिप्रोडक्टिव नीचे और फिजिकल एंड केमिकल नीचे, कहाँ पर जीव रिप्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ पर वो खाना खा रहा है, कहाँ पर वो रह रहा है, किस तापमान में वो रह रहा है, आह यहाँ पर बहुत गर्मी है, मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊँगा, तो ये सब उसका नफासत है, ये उसका नीचे है। समझ रहे बात? ठीक है, तो इसका मतलब, ये नीचे का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आपने कभी देखा होगा बिग बैंग थ्योरी, तो इसमें ये शेल्डन है, ये आदमी है, वो एक ही जगह पर बैठता है। जैसे कि देखो ये जो जगह है सोफे का, ये इसकी जगह है, इसको और कहीं मन नहीं लगता, इसको और कहीं उतना लाइट उतना हवा नहीं मिलता जितना हवा यहाँ पर मिलता है, इसीलिए जैसे ही ये बैठी इसको बोला दिस इज़ माय स्पॉट, हटो वहाँ से, हम ही बैठेंगे यहाँ पर क्योंकि ये मेरा इकोलॉजिकल नीचे है। समझ रहे बात? तो ये होती है मतलब इकोलॉजिकल नीचे का। ठीक है, अब एक आवास में कई सारे जीव रह सकते हैं, आपको मैंने बताया एक आवास में कई सारे जीव रह सकते हैं, सबका इकोलॉजिकल नीचे अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर आपने एंग्री बर्ड गेम खेला होगा तो ये बहुत ही तेज उड़ता है, बहुत ही ऊपर तक जाता है, तो ये अपना ऊपर रह लेगा, ये लाल लाल मोटू इधर रह लेगा, ये जो छोटा वाला है जो डिवाइड हो जाता है एक से तीन बन जाता है और नीचे गिरता है आकर के, वो नीचे रह जाएगा ब्लू बर्ड। ठीक है ना, तो ये तीनों उनका इकोलॉजिकल नीचे हो गया, ये तीनों आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, इसका आवास ये है, उसका आवास ये है, इसका आवास ये है, तो तीनों का चीज़ अलग अलग है। ठीक है, अब नीचे और हैबिटेट में अंतर क्या होता है? हैबिटेट इज लाइक इट्स एड्रेस, हैबिटेट जो होता है वो आपका आवास होता है, मगर नीचे उसका प्रोफेशन है, उसका काम है, उसका काम भी है। नीचे में सब कुछ आता है, आप कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या काम करते हैं, ये सभी नीचे एक स्पीसी के लिए यूनिक होता है, कॉमन नहीं हो सकता, वरना कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मुझे आम पसंद है, तुम्हें आम पसंद है, झगड़ा हो जाएगा। मुझे शक्तिमान देखना है, तुम्हें जुमांजी देखना है, झगड़ा हो जाएगा अगर सेम टाइम पर आ गया तो, एक ही टीवी है ना, तो यूनिक होना चाहिए, मतलब कि मेरा टीवी अलग, तुम्हारा टीवी अलग, तुम अपना अपना देखो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो नीचे होता है वो एक प्रजाति के लिए यूनिक होता है, मगर एक हैबिटेट अलग अलग जीव शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो अलग अलग जीव एक आवास में सेम नीचे नहीं रख सकते, मतलब कि जो कुर्सी जो सोफा था एक ही जगह पर दो लोग जा कर के नहीं बैठ सकता, बैठेगा तो एक ही बैठेगा, तो झगड़ा खत्म करने के लिए आप उस आवास को, उस स्थान को एक जीव का नीचे बना दो, ताकि केवल वहीं जाकर के वहां पर बैठ जाए। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि उसका फिजिकल स्पेस मतलब कि उसका आवास हैबिटेट नीचे, दूसरा कह रहा है इसका फंक्शनल रोल। तो आवास और फंक्शनल रोल क्या होता है? इकोलॉजिकल नीचे होता है, यही ना होता है, आप कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, यही तो दिखाता है नीचे। इको तो ट्रांजिशन जोन है, एरिया है, हैबिटेट आवास हो गया, होम रेंज आपका अलग है, नीचे आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, बी आपका सही है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे नहीं जी। चलिए, तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ये है कि कोई एरिया, कोई जगह किस तरह से एक प्रजाति के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, या अगर वहाँ पर पहले से कोई प्रजाति है तो उसको रिप्लेस करके नया आवास बनाया जा रहा है। जैसे कि मान लो कि ज्वालामुखी फूटा, लावा बाहर निकला, तो जब लावा बाहर निकलेगा, ठंडा होकर के चट्टान बनाएगा, तो वहाँ पर कोई रह तो रहा नहीं होगा, बैठने का तो बनेगा नहीं उस पर, जल जाएगा, तो वहाँ पर कोई रह नहीं रहा है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे समय के साथ उस चट्टान पर पहले जो एल्गी है वो डेवलप होना शुरू होगा, लाइकन
अलग अलग जीव छोटे छोटे उस पर डेवलप होना शुरू होंगे। वो जीव जब मरेगा तो वो पत्थर को वेदर करेगा, केमिकल वेदरिंग मैंने पढ़ाया है ज्योग्राफी वाली क्लास में, उस पत्थर को वेदर करेगा, उसको इरोड करेगा, दूसरे जीवों को वहाँ पर बुला करके लाएगा। जो एल्गी मर गया था उसको खाने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया वहाँ पर आएगा, कई कई सारी चीज़ें आएंगी, और वो जो पूरा पत्थर है वो कुछ सालों के बाद हरा भरा हो जाएगा, वहाँ पर कोई पौधा उगाएगा, कुछ और मिट्टी बन जाएगा वहाँ पर। तो इसको हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है सक्सेशन प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ये है कि आप वैसी जगह पर डेवलपमेंट कर रहे हैं जो पहले से एकदम वीरान है, पहले से वहाँ पर कुछ नहीं है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ज्वालामुखी से लावा निकला, ठंडा हुआ, वहाँ पर अगर आप डेवलपमेंट करेंगे, इकोसिस्टम बनाएंगे, तो ये कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी वाला क्या होता है सर? सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से कोई चीज़ डेवलप हो चुकी होती है। मान लो कि एक जंगल है, जंगल तो डेवलप्ड है, जंगल में आग लग गया, सब पेड़ स्वाहा, सभी पेड़ सभी जंतु खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा वहाँ पर। अब अगर वहाँ पर दोबारा धीरे धीरे पौधे जन्मने शुरू होंगे, पनपने शुरू होंगे, तो इसको हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेकेंडरी। मतलब आप जहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हो वहाँ पर पहले से ही डेवलपमेंट हो चुका था, आप दोबारा कर रहे हैं, इसीलिए वो सेकेंडरी कहलाएगा। समझ के बाद क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कहलाएगा। अब ये जो आपने इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, इकोसिस्टम डेवलप करने के दौरान सबसे अंतिम समय में जो कम्युनिटी बचेगी वहाँ पर, उसको हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। जैसे कि पत्थर है, पत्थर पर आपने धीरे धीरे घास उगाया, कुछ और चीज़ें उगने शुरू हो गई, झाड़ियाँ बनी, धीरे धीरे पौधे उगने शुरू हो गए, अंतिम में जा करके ये पेड़ बन गया। तो ये जो पेड़ है ना, ये जो पेड़ है वो आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। इसके बाद कुछ और नहीं उगेगा, पेड़ उग गया बस, उतना आकर के वो रुक गया, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है ये आपने समझ लिया, ठीक है। इसके स्टेज दो होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी आपको मैंने बता दिया। पायनियरिंग कम्युनिटी क्या होता है? पहला पौधा जो इस एरिया को कॉलोनाइज करेगा उसको हम लोग पायनियरिंग कम्युनिटी कहते हैं। वो पहला पौधा जो उस एरिया को कैप्चर करेगा, वहाँ पर पैदा होना शुरू होगा, घटना बढ़ना शुरू होगा, उसको हम लोग पायनियरिंग कम्युनिटी कहते हैं। क्लाइमेक्स वाला मैंने बता ही दिया। और अलग अलग स्टेज होता है, जैसे कि पहले पत्थर है, उसके बाद धीरे धीरे उस पर लाइकेन आए, छोटे छोटे पौधे आए, घास उगना शुरू हुआ, झाड़ी उगना शुरू हुआ, उसके बाद फिर पेड़ उग गया। तो ये जो अलग अलग स्टेज है ना, इसी को हम लोग सेरेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग सेरेस कहते हैं। टर्म बस याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें। सक्सेशन के साथ उसमें उत्पादकता बढ़ती है, जैसे कि पत्थर पर उत्पादकता बहुत कम होगी, मगर जब जंगल बन जाएगा वो पत्थर तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, वहाँ पर पेड़ जल्दी जन्मने शुरू होंगे, अलग अलग जीव जन्मने शुरू होंगे। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट होता है वो रिजर्वायर से शिफ्ट होता है। जैसे कि मिनरल कहाँ से मिलता है? मिनरल पत्थर में होता है, जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, सब कहाँ मिलता है? पत्थर मिलता है। पत्थर जब टूटेगा, फूटेगा, घुलेगा, तो जो केमिकल होता है वो पानी में मिलता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो उससे न्यूट्रिएंट पौधे को मिलता है। तो एक तरह से जो न्यूट्रिएंट है वो रिजर्वायर, मतलब पत्थर से निकल करके जा रहा है आवास में। जो ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी है वो बढ़ जाता है। फूड चेन का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, फूड वेब का, वो बढ़ जाता है। मतलब कोई किसी को भी खाना शुरू कर देता है, ठीक है। ये हो गई खास बातें सक्सेशन की। अब एक बड़ा कॉन्टिनेंट का जो बीच का एरिया है वहाँ पर सक्सेशन तेज होता है। क्यों होता है तेज? क्योंकि आसपास के एरिया से जो सारे जीव हैं, बीज हैं, वो सब आकर के वहाँ पर रहना शुरू करते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया इकोलॉजिकल नीशे, और आपने पढ़ लिया भी सक्सेशन, ठीक है।
इसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पॉइंट हैं, सब आपको कवर कर दिया है हमने। जो पॉइंट करंट अफेयर वाले हैं उनको हम लोग MCQs के ज़रिए सारा कवर कर देंगे, ठीक है। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, खराब तो डिसलाइक। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।